कैंडिडेट जिलाध्यक्ष भागीरथ चौधरी जी, जिला प्रमुख मान सिंह जी, पूर्व विधायक श्री राम बीचड़ जी, पूर्व विधायक करणी सिंह जी लाडनू, विजेंद्र सिंह जी जोधा, डीडवाना रेवत राम जी डागा साहब, श्रीमती सुमित्रा बीचर मकराना से हमारी प्रत्याशी रही, एवं इस कार्यक्रम में सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आप सभी को जय जिनेन्द्र करता हूं। लाडनू की इस पावन धरा को भी मैं नमन करता हूं। जैसा कि माननीय हमारे अर्जुन जी ने बताया कि ये धरती महाप्रग महाराज तुलसी जी की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे जैन विश्व भारती सुधर्मा सभा प्रवचन स्थल के निर्माण के शिलान्यास के अवसर पर मुझे बुलाया है। आज इस पवित्र धरा पर ऐसी विभूतियां विराजित हैं जो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश का गौरव बढ़ाने का काम भी करती हैं। मुझे यह जानकर भी हर्ष हो रहा है कि जैन विश्व भारती इस पवित्र स्थान पर आचार्य श्री महाश्रवण जी वर्ष 2026 में एक वर्षीय योगक्षेम वर्ष के लिए प्रवास करेंगे। ये मेरे साथ ही संपूर्ण प्रदेश के लिए मंगलकारी होगा, क्योंकि अभी अभी मैं चुनावों के समय मेरा महाराष्ट्र के अंदर जाना हुआ, औरंगाबाद संभाजीनगर मां महाराज जी से मिलना हुआ। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसे हमारे महाश्रवण जी महाराज जी जिस तरह से उन्होंने देश के कल्याण के लिए, देश के लिए एक समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो काम कर रहे हैं और अपने संदेश के द्वारा समाज को इंगित कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके आने से लाडनू नहीं पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा कार्यक्रम उनका होगा। जैन विश्व भारती जैन संस्कृति का पर्याय बन चुकी है यह संस्था, राजस्थान में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। अणुव्रत की स्थापना करने वाले आचार्य श्री तुलसी जी की कल्पना को साकार करता हुआ ये एक ऐसा संस्थान है जो अपने सात सूत्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए लगातार प्रगतिशील है। शिक्षा, साहित्य, साधना, शोध, संस्कृति, सेवा जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति व मानव कल्याण की भावना इस संस्थान का मूल मंत्र है। आचार्य तुलसी जी की जन्मभूमि, आचार्य महाप्रग जी की कर्म भूमि लाडनू को आचार्य महाश्रवण जी ने 13 पंथ संघ की राजधानी की उपमा भी दी है, जो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। जैन विश्व भारती संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रही है। मुझे ये जानकर गर्व हुआ कि यहाँ प्राचीन भाषाओं और लिपियों का भी संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो विधा है, हमारी उस पुरानी विधा के बारे में यहाँ शोध हो रहा है। अनुसंधान जैसे कार्य गुरुकुल वास के वातावरण में किए जा रहे हैं। आचार्य तुलसी जी ने इस अभ्यारण्य की भी संज्ञा दी थी जहाँ प्रत्येक जीव अभय होकर रह सकता है। जैन विश्व भारती ध्यान, योग, जैन विधा, राजस्थानी लिपि, प्राकृत भाषा आदि के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। ये इस प्रकार के अध्यापन के लिए समर्पित एकमात्र विश्वविद्यालय है। आचार्य तुलसी जी ने जैन विश्व भारती की कल्पना एक ऐसे परिसर के तौर पर की जहां नर्सरी से डीलिट तक की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। भारत एक समय शिक्षा का महान केंद्र था,
और आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, दुनिया के अंदर हमारा भारत शिक्षा के केंद्रों के लिए भी और शिक्षा देने के लिए भी जाना जाता था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षार्थी शिक्षा पर प्राप्त करने के लिए आते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नया जीवन देकर पुरातन संस्कृति का वैभव बहाल करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। यही नहीं, जैन विश्व भारती की स्थापना के पीछे भी महान सोच रही है। यहाँ शोध का कार्य गहन कार्य किया जाता है। जैन दर्शन के आगामों को अध्ययन शोध को जो यहाँ काम किया जाता है उसकी चहुं ओर चारों तरफ उसकी प्रशंसा है। मेरा इस संस्थान से पहले से भी जुड़ाव रहा है और लगाव रहा है। इस पवित्र परिसर में आयोजित भाजपा की जो प्रदेश कार्य समिति हुई उसमें भी मुझे यहाँ लगभग 3 दिन रहने का मौका मिला। मैंने उस समय ये पहली बार देखा था, पहली बार मैंने देखा कि लाडनू में इतना बड़ा परिसर इतना बड़ा संस्थान है। निश्चित रूप से मैं नमन करना चाहता हूं आचार्य तुलसी जी को कि उन्होंने इस तरह का विचार उस समय किया और आज हम उस प्रांगण को देख रहे हैं कि जिस तरह से सभी क्षेत्र में अपनी आभा फैलाए हुए है। मुझे इतना भव्य और दिव्य संस्थान जिनकी मैं शब्दों में नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ जिस तरह से सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए यहाँ जिस तरह से काम हो रहे हैं उनकी कल्पना कितनी बड़ी थी। जब संतों के चरण कमल पड़ते हैं ये भूमि फलदायिनी हो जाती है। हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस पवित्र भूमि पर हुई, उसका सफल भाजपा के चुनावों में स्पष्ट जनादेश मिलना यह उस सुखद की अनुभूति है। 13 पंथी की आचार परंपरा बहुत यशस्वी रही है। आचार्य श्री तुलसी को उसमें अनेक महत्वपूर्ण कड़ियां जोड़ने का श्रेय है दिया जाता है। युग आए युग चले गए, इस मातृभूमि ने कुछ ऐसे लोगों को जन्म दिया जो युग के साथ नहीं बहे बल्कि युग को अपने भाव के साथ लेकर गए। आचार्य तुलसी जी एक ऐसे ही महापुरुष थे। अणुव्रत के प्रवर्तक आचार्य तुलसी मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन के जरिए मानव धर्म का व्यवहारिक स्वरूप लोगों के सामने रखा। उन्होंने समाज को अंधविश्वास रूढ़िवादता पूर्वाग्रह से मुक्त किया, भौतिकवाद की तरफ बढ़ते हुए मानव को आध्यात्मिकवाद की तरफ मोड़ने का काम आचार्य तुलसी ने किया। मानव समाज को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण करना उनके जीवन का परम लक्ष्य था। और जब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी यह हम स्वयं में अनुभव करते हैं कि जब आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं तो हमारे आचरण और विचार समाज के प्रति हमारा भाव अपने आप बदलने लगता है। और जब समाज के अंदर हमारा भाव बदलने लगता है तो हमारा समाज मजबूत होता है, अग्रणी बनता है। समाज में अनेक प्रभाव ऐसे होते हैं जिसको समाज को लाभ मिलता है। देश विदेश के प्रमुख जननेता और प्रबुद्ध मनीषी उनके कार्यों और विचारों से प्रभावित थे। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, लाल किले जैसे महत्वपूर्ण स्थान, कई विधानसभाएं, अनेक बार उन्होंने अपना नैतिक संदेश देने का काम किया। आचार्य श्री तुलसी सूक्ष्म एवं पारदर्शी दृष्टि के धनी थे। उन्होंने आचार्य महाप्रज जी और आचार्य महाश्रवण जी जैसे रत्नों को भी तराशने का काम आचार्य तुलसी जी ने किया। आचार्य तुलसी जी कहते थे कि तुलसी में महाप्रज्ञ देखो, महाप्रज्ञ में तुलसी। और आचार्य श्री महाप्रभु का ये देश के हिंदी साहित्यकारों में प्रमुख स्थान
या साहित्य जगत में उनके साहित्य को भी समय समय पर चर्चा होती रहती थी। आचार्य जी महाश्रवण जी की सहजता एवं पवित्रता में उनमें महात्मा दर्शन होता है। आचार्य श्री तुलसी जी कहते हैं कि साधु हो तो महाश्रवण जैसा हो, आचार्यों के ऐसे उद्गार महापुरुषों के लिए संभव हैं। यह संस्थान सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुणों की त्रिवेणी है। जैन विश्वभारती परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण के जी के आध्यात्मिक संरक्षण में विकास की ओर निरंतर गतिमान है। लाडनू का यह जैन विश्वभारती संस्थान एक विलक्षण विश्वविद्यालय है। यहाँ जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है और विद्यार्थियों के लिए आदर्श जीवन का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए उनको आगे किया जाता है। इस विश्वविद्यालय में केवल प्रोफेशनल नहीं बल्कि मानव बनते हैं। यह मूल्यों पर केंद्रित संस्थान है। आज इस अवसर पर समस्त प्रदेश के विकास और प्रगति की कामना करता हूं। आचार्य श्री तुलसी एवं महाप्रज जी जी को मैं शीश नवाता हूं और आचार्य श्री महाश्रवण जी से आशीर्वाद मांगता हूं कि प्रदेश की शांति, खुशहाली, उन्नति और समाज के अंदर भाव पैदा करना और समाज में एक अच्छे विचार लाना, जिससे कि हमारा राजस्थान आगे बढ़े, हमारा राजस्थान आचार्य तुलसी जी के मार्ग पर चले, आचार्य महाश्रवण जी के मार्ग पर चले, हमारा समाज एक ऐसा समाज हो। क्योंकि कोई भी देश या प्रदेश की अगर उसकी ऊंचाइयों का उदाहरण दिया जाए और उसकी प्रगति का उदाहरण दिया जाए, सिर्फ अच्छी सड़कें, अच्छी इमारतों से नहीं दिया जा सकता। अगर वो दिया जा सकता है तो एक अच्छे विचारों से दिया जा सकता है। इसलिए उनके मार्ग पर चलते हुए, अच्छे विचारों को ग्रहण करते हुए, एक अच्छे प्रदेश की रचना करते हुए, अच्छे देश को मजबूत करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत की कल्पना, विकसित राजस्थान की कल्पना ऐसे नहीं होती। समाज का हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व, हमारे साधु, संत, जैन, मुनि सभी जिस तरह से हमारे समाज को आगे ले जाने का, समाज को एक ऐसा समाज जो समाज अपने आप में एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ाने का काम करे, आने वाली पीढ़ियों में इस तरह के संस्कार डाले जिस तरह से आने वाली पीढ़ियों में हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से, हमारी शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाते हुए हम उसमें इस तरह के संस्कार डालें कि जो हमारा देश एक विश्वगुरु, जिस तरह से विश्वगुरु की कल्पना, हमारी संस्कृति की, हमारे विचारों की कल्पना पूरी दुनिया के अंदर है, वो विचार हमारे आगे बढ़े। निश्चित रूप से अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे तुलसी जी, महाश्रवण जी, इन सभी के प्रति हमारा भाव निश्चित रूप से बढ़ेगा और उनको बताए हुए रास्ते को हम आगे ले जा सकते हैं। आप सभी ने मुझे बुलाया, आप सभी ने मेरा मान और सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय जिनेंद्र। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे वो 13 पंथ सावक हो, तुलसी जी के अनुयायी हो, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में एक बात कही थी, प्राचीन लिपि के संरक्षण की बात कही थी, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की बात कही थी, तो मैं